नमस्कार दोस्तों, कैफे रंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी मसालेदार एकदम चटपटी। तो आइए देख लेते हैं इसकी सामग्री। ये 250 ग्राम भिंडी है एकदम ताज़ा। इसका हम डंठल दोनों साइड से काट के अलग कर दिए हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नींबू अपने स्वाद के अनुसार, नींबू आप डालना चाहते हैं तो नींबू डालें, नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर चुटकी भर, गरम मसाला पाउडर ये भी 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार, 1 टमाटर उसको भी काट के ले लिए हैं, और 1 प्याज इसको भी हम काट के ले लिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच ताजी दही और 1 चम्मच ताजी मलाई। तो हम सबसे पहले भिंडी को कट कर लेते हैं। एक भिंडी का हम 3 टुकड़ा करेंगे इस तरीके से। जो छोटी भिंडी है उसको 2 टुकड़ा, बाकी 3 टुकड़ा। इसी तरीके से हम सब भिंडी को काट लेते हैं। सारे भिंडी को हम काट लिए हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाले हैं। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें हम भिंडी को डाल देते हैं। गैस का फ्लेम तेज रख के भिंडी को हल्का फ्राई करके निकाल लेना है। भिंडी फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें हम फिर 1 चम्मच तेल डालते हैं। सारे भिंडी फ्राई करके निकाल लिए हैं। एक चुटकी हींग डाल देते हैं। जीरा, जीरा तरक गया है, हम इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को ढक के इसको भी हम 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं। इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसमें नमक डाल देते हैं ताकि प्याज और टमाटर गलेगा। हम देखते हैं, देखिए टमाटर भी और प्याज भी दोनों फ्राई होके गल गया है। इसको हम दबा दबा के अब इसमें हम ये मसाला जो रखे हैं सबको डाल देते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देते हैं।
इसको भी हम फ्राई होने देते हैं। मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया, अब इसमें हम दही डाल देते हैं। मलाई भी डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी को 2 मिनट उबलने देते हैं। ये मसाला बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये सारे भिंडी को डाल देते हैं। कि भिंडी मसाला बनके एकदम तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चटपटी भिंडी मसालेदार बनके तैयार हो गया है और ये कितना जल्दी बन जाता है 10 मिनट में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।